राम राम भैया, किताबी दुनिया में आप पंचन का स्वागत है। भैया जो है कल परों में है चाचा शहर घूमे आएंगे और उनसे बात कही हुई गए। चाचा जो है बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव के चर्चा छेड़ दी। कहें भैया बिहार में यहाँ आजकल बड़ा वादा किए जा रहे हैं, बड़ा जो है कोई नौकरी दे रहा है, कोई रोजगार दे रहा है। हम कहें हाँ चाचा तुम सही सुने हो एकदम बात। कहीं वादा तो सब भैया बहुत कहीं है, जैसे लालू प्रसाद यादव का जो लड़का है, जो नेथुआ लड़का है, मैंने 28-30 वर्ष उम्र हुई, वो जो है 10 लाख नौकरी का वादा किए से। हम कहें हाँ चाचा बात सही। कहें चाचा उमा लेकिन अलग अलग बताइए से। कहें अरे हाँ हमका पता है। हम कहें कहाँ पता है। कहें अरे 4.5 लाख नौकरी वो कहीं से कि खाली पद हैं वही हम भर दे भाई, और 5.5 लाख पद हम सृजित करबे नए तरीके से। ने मने जो वो जो है 10 लाख के रोजगार के बात है वो पक्की नौकरी के वादा की से। हम कहें हाँ चाचा लेकिन एक जान पाए चाचा। कहन का हम कहें उका जो है चाचा मजाक उड़ाइन है। कहीं हम मजाक उड़ान। हम कहें अरे तुम ना चाचा, मने जो उके चाचा हैं मने नीतीश कुमार। कहें अच्छा का मजाक उड़ान। हम कहें अरे वो कहने कि पैसा कहाँ से आएगा, मैंने वो लालू प्रसाद यादव पर व्यंग्य कहने जो जेल में बंद है चारा घोटाले में। कहीं चारा घोटाले से पैसा आएगा जो उसमें पैसा जो है वो हुआ था, या कहाँ से पैसा आएगा जो 10 लाख लोगों को रोजगार मैंने नौकरी दिया जाएगा। कहीं अच्छा यह बात है तो कहीं लेकिन बीजेपी तो भैया 19 लाख लोगों के यहाँ देगा वादा की से। हम कहें चाचा यह है तो खेल हो। कहीं का खेल है। हम कहें ये रोजगार है और वो 10 लाख नौकरी है। कहीं रोजगार और नौकरी मैंने बात। हम कहें ना चाचा बिल्कुल बात ना है। कहीं हाँ भैया कुछ स्मृति हमरी कह रही है कि या का बात ना ही है अलग अलग है, लेकिन कुछ नौकरी दे के वादा कहीं नहीं जहाँ तक हम सुने ना। हम कहें हाँ चाचा वो तो बात सही है। जैसे वो कहने कि 3 लाख शिक्षकन के हाँ हम नौकरी देवे जो खाली पद हैं उमा हम भरबे, और 1 लाख जो है स्वास्थ्य कर्मी जो विभाग में पद खाली हैं ऊपर भरबे, और 5 लाख रोजगार हम आईटी क्षेत्र में मतलब सृजित करबे, और 10 लाख रोजगार हम कृषि क्षेत्र में मतलब सृजित करबे। चाचा कहे ना अच्छा वो कृषि क्षेत्र जी का भट्टा बैठावे में ये सब तनिको कोर कसम ना रखे ने। हम कहें हाँ चाचा बात तो पूरी पते के है। अब हैं जो 3 कृषि पर आधारित जो अध्यादेश रहे हैं, और फिर उनका जो संशोधन के कानून बना है उससे यह बात तो और जग जाहिर है। यह सरकार नहीं चाचा पहले के लिए सरकार है। मैंने खेती के यहाँ क्या भट्टा बैठाऊँ कोई कसर ना छोड़ी ने वही क्षेत्र में यहाँ भाजपा कहा थे बिहार में यहाँ 10 लाख हम नए पद सृजित कर पाए का। और कहीं भैया कांग्रेस और कुछ कही से कहे। हम कहें चाचा कांग्रेस कही से कि जब तक बेरोजगारन के यहाँ नए रोज मतलब नई नौकरी या रोजगार न मिल जाए तब तक जो है 1500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दे के वह वादा कहीं से। चाचा कहें भैया वादा करम कोई पाछे ना है। हम कहें हाँ चाचा वादा करम कोई पाछे ना है। बीजेपी सबसे आगे, कांग्रेस और कुछ कही से, तेजस्वी यादव नौकरी दे के बाद कही ने, मैंने राष्ट्रीय जनता दल की नौकरी दे के बाद कही, लेकिन चाचा मैंने नीतीश कुमार अभी मौन है। जौन जो है 10 लाख नौकरी के वादे पर राष्ट्रीय जनता दल मैंने तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाए रहे हैं, वे अपने सहयोगी मैने मोदी और जो है भाजपा के 19 लाख रोजगारन पर बिल्कुल मौन साधरीन, मुंह पर बिल्कुल टेप चिपकाए लीन है, ना बोले हैं, और अपन कुछ वादों ना कहने अपनी पार्टी का मैंने जनता दल यूनाइटेड का कुछ वादों ना कहने की कत्ते हुए रोजगार हैं। चाचा कहें भैया हमार दिमाग हुईगा खराब। हम कहें काहे चाचा, कहीं वादन पर बिल्कुल न जाओ, हमका याद आएगा। हम कहें काहे चाचा, कहें मोदी मैंने भाजपा सरकार 2 करोड़ दे गए लोगन का रोजगार दे वादा किस रहे का भवा तो नहीं हमका बताओ। हम कहें कुछ ना बाबा चाचा। कहीं भैया हर व्यक्ति के खाते में, हर आदमी के खाते में 2014 के चुनाव में है 15 लाख रुपया डाले का वादा कहीं ना का भवा कि मैंने जो काला धन लेके यही 15 लाख रुपया हर आदमी को मिल जी है का भवा। कहीं
जो है बिहार का यहाँ 1.5 लाख करोड़ क्या पैकेज दे का वादा किन्ना है, स्पेशल पैकेज दे का वादा किन्ना है। का बाबा हम कहें सब कागजी खेल भवा चाचा, कहीं ये जो चचा है माने नीतीश कुमार वही कहीं ना है बिहार का यहाँ विशेष राज्य का दर्जा दे। वही 15 साल से ने यह संपुट उगाए रहे बिहार का है विशेष राज्य का दर्जा, बिहार का है विशेष राज्य का दर्जा, वो संपुट आज तक भैया पूरा ना भवा। कहीं न कहीं भैया एक और भय वादा नवा नवा हुआ, फ्री वैक्सीन कोरोना के फ्री वैक्सीन दे है भाजपा अगर बिहार में हाँ जीत गए। कहीं भैया ये अति बेशर्मी हम उम्मीदें ना किया रहे चाचा, कहीं स्वास्थ्य शिक्षा और खाना ये तो जरूरी सरकार की जिम्मेदारी है, ये पर वोट मांगा जाए। भारतीय जो है लोकतंत्र यहाँ तक मह गिरावट आए गए है, राजनीतिक दल का किस तरीके से ने जो है मजाक बनाए दी ने कि उके नाम पर वोट मांगा जी। हम कहें चाचा मांगा जा रहा, कहीं भैया बेशर्मी खादय पार हो रही है, कहीं चाचा कहीं भैया पहले रोग के नाम पर डराओ जनता के यहाँ और तक दवा क्या मतलब उके दवा के लालच दे के कुर्सी कब जाओ यू खेल हो रहा। कहीं जो है भैया अब जो है जहाँ जहाँ हुई चुनाव हुआ हुई फ्री दवा क्या ऐलान माने वादा हुई। हम कहें चाचा मध्य प्रदेश उदाहरण है, हम कहें चाचा मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा हुआ फ्री वैक्सीन के वादा हो रहा, तो चाचा कहीं अब है पश्चिम बंगाल में हुई या और कोनो राज्य में हुई है चुनाव, उत्तर प्रदेश में हुई है, तो जहाँ चुनाव हुई हुआ के जनता का इलाज हुई बाकी का जनता मर जाए। हम कहें चाचा बात सही, हम कहें चाचा जनता का यह सोचे का जरूरी है। चाचा कहीं या भैया नए तरीके का राजनीति, हम कहें हाँ चाचा नए जो है भारत के नई राजनीति। चाचा कहीं बात सही, कहीं भैया इके बावजूद जो भक्त चैनल हैं भक्त पत्रकार हैं पूरी एनडीए सरकार अब है बनवा दी बिहार में यहाँ, कहीं लेकिन भैया रैलिन में है भीड़ तो कुछ हुआ उड़न कह रही। नीतीश कुमार और मोदी जी की रैली में मोदी साहब के रैली में 23 अक्टूबर के भय देखे हो उनके ना, कहीं कुछ हुआ 100 या कहीं 1000-2000 आदमी की भीड़ हुआ रहा है और कहीं एक तरफ तेजस्वी की रैली हो रही हजारन के भीड़ जो है जुट रही है, भीड़ जुटे के रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम कहें हाँ चाचा तेजस्वी दरअसल चाचा जो है रोजगार क्या नौकरी के एजेंडा सेट कर दी से, अब किन मतलब विपक्ष जो है पहली बार एजेंडा सेट की से और ऊपर जो है भाजपा पाछे पाछे दौड़ रही है, आगे वाले का विपक्षी का पकड़े के कोशिश कर रही है और विपक्षी भागत चला जा रहा। रैलिन के भीड़ तो चाचा यह कह रही वह एक बात जो है चाचा 19 लाख जो है रोजगार दे क्या वादा घिन है। हम कहें चाचा जो है निर्मला सीतारमन माने जो है वित्त मंत्री वो कहीं नहीं वित्त मंत्री का काम का है वो जो है बिहार के बारे में। हम कहें चाचा यहाँ भाजपा में ऐसे होते हैं मोदी जी के यहाँ ऐसे होते नाव मेरा गांव तेरा माने जो है अगर डॉक्टरी की बात है तो वित्त मंत्री घोषणा करिए और अगर वित्त मामला है तो कहो स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करें कहो जो है गृह मंत्री घोषणा करें तो कोई कहूँ पर कुछ बोल सकते है चाचा। कहीं रोजगार का एजेंडा विरोधी सेट कई थी मैंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सेट कई थी और ऊपर बीजेपी जो है पाछे पाछे दौरे का मजबूर हो गए है, कुछ सब की भीड़ या तरफ और दूसरी तरफ हजारन के भीड़। चचा का भतीजे पर जो है जो बौखलाहट है या भीड़ जो है तेजस्वी यादव की रैली में है जो भीड़ उमड़ रही है ऊपर चचा बौखलाए गए है मैंने अपने छोट गए भतीजवा पर जो है व्यक्तिगत आरोप लगाए रहे हैं। अभी तक उनकी उनका जो है भाषण देम है उनका संयम माना जाता रहा है सधी भाषा बोलत रहा है लेकिन पहली बार इस है 15 साल में है कि उनकी जबान लड़खड़ा रही है, उन तो यही चीजन का देखा चीज का जरूरत है भैया। हम कहें चाचा बात बिल्कुल सही है, सब लोग अगर देखें सोच समझ के यहाँ यहाँ पर मतदान करें। कहीं चाहे भैया आज यू 25 तारीख का हमारे तुम्हारे बात हो रही 25 अक्टूबर के आज दिन है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
आज के 66 साल पहले आजुक दिन पहले लोकसभा के चुनाव के वोट पड़े रहें। सब जने भैया हंसी खुशी से ने, लड़िया से ने, बैलगाड़ी से ने, साइकिलन से ने, पैदल भैया नए नए कपड़ा पहन के यहाँ उत्साह के साथ वोट डाले गेन है कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव है। और भैया वो उत्साह 10-20 साल बाद सब धूल धूसरित हो गया। और मौजूदा समय में यहाँ जिस तरीके से ने राजनीति हो रही है, या तरफ रोजगार का बात है, नौकरी के बात है, और उनके सामने जो है भाजपा क्या और नीतीश कुमार क्या जो लड़ावे क्या भिड़ावे क्या जो सब राजनीति रहा है वह फेल हो रही है। ठीक है, फांसीवादी चीजें ना ही चल रही हैं। यू तेजस्वी कुछ महीना पहले जो है रोजगार का लेके जन जागरूकता रैली निकाली है, तो बिहार के लोग समझें, युवा समझें कि कोरोना काल में है उनका कत्ता रोजगार मिला, उनके पहले कत्ता रोजगार मिला, 15 साल में कत्ता रोजगार मिला और 2014 के बाद में कत्ता रोजगार मिला। इस पर अपन दिमाग लगावें और कोरोना के भैया स्थितियां बिल्कुल न भूलें और उनका जान समझ कहाँ वोट दें। और चचा के भैया बात अगर यह बात समझ में आई हो तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम।